परफेक्ट होने वाला है, हॉल बनने वाला है गाइस। गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। ये अभी ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है, काफी ज्यादा लेट दोपहर को ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी बज रहा है 3:30 और अभी बेसिकली अपन जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। अभी अपने कॉलेज में ना एक इवेंट चल रहा है, टेक फेस्ट, जिसमें कई सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें होती हैं। और ये वाला जो इवेंट है वो पहली बार मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। लाइक पिछले साल कुछ इवेंट अपन ने किया था लेकिन ये वाला छूट गया था। फिलहाल अभी यार जस्ट उठ के ये ब्लॉग अपन ने पोस्ट किया था और जल्दी अभी सामान वगैरह पैक करते हैं क्योंकि थोड़ा दिन वहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ। अभी क्या किया, अपने मंडे और ट्यूसडे को एग्जाम्स भी हैं, आज है सैटरडे, तो एग्जाम्स वगैरह आराम से दिला के आएंगे क्योंकि फिर एग्जाम्स दिलाने के लिए जाना ही है, फिर आना जाना एंड फिर वही हॉच पॉच वाली जिंदगी। तो चलो गाइस, वी आर फाइनली रेडी, ट्राई करते हैं। वो नीचे जा रहा है, आगे ले ले। नीचे नीचे जा रुको रुको रुको, पूरा थोड़ा पीछे जाता ना। हो गया। चलो भाई, चलो भाई, अभी एक घंटा लगना ही है, 5 बजे पहुंचेंगे। इवेंट चल ही रहा है, दिन भर चल रहा है इवेंट। चलो भाई सीधा स्ट्रेट चलते हैं रायपुर की तरफ, फॉस्टम फॉस्ट। एंड बाय द वे यार, आज अपन सुबह निकल जाते हैं, आज पूरा दिन भर इवेंट चल रहा है। अपन बेसिकली इतना लेट इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि भाई सुबह मेरा सर्दी में हालत ख़राब था भाई, और उठने की हालत में नहीं था अपन तो फिर। और सुबह ऐसा था कि इवेंट्स जो है हो तो रहे थे लेकिन वो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स नहीं थे, मतलब कि कंपटीशन टाइप से ज़्यादा थे, तो उसी वजह से ना फिर मैं सोचा कि चलो भाई दोपहर तक शाम तक अपन चले जाएंगे आराम से। ओह भाई भाई भाई, अरे अरे यहाँ पे तो ब्रेकर था क्या? ओह शायद हटा दिया ब्रेकर, तभी सोचे अरे ट्रक वाला स्लो क्यों नहीं कर रहा है, लाइक एक ही फ्लो पर निकाला जा रहा है। असल ना यार, बहुत दिन हो गए ना रूट पे आए हुए, वो ब्रेकर वहाँ पे हटा दिया है, बहुत खतरा ब्रेकर था, तभी ट्रक वाला बिंदास निकाला था। और मैं सोच रहा हूँ ये कैसे इतना बिंदास निकाल रहा है यार। यार ये जो आगे नई वाली इनोवा जा रही है ना, लाइक इनोवा का पूरा लुक ही चेंज कर दिया यार एकदम, सो इट्स दैट्स आवर न्यू इनोवा। लाइक इसका जो ओरिजिनल मॉडल था ना इनोवा का, उसमें लाइक एक फील आती थी, इस वाले में नहीं आती यार वाली फील मेरे को। आपको भी ऐसा लगता है नीचे कमेंट से बताओ ना भाई। बाकी आगे से बहुत सेक्सी दिख रही है भाई, आगे से बहुत मस्त दिख रही है इनोवा, लेकिन वो वाला जो फील है ना इनोवा वाला, वो लाइक उसमें नहीं है अब। तो गाइस फिलहाल अभी यार कॉलेज पहुंच चुके हैं एंड बाय द वे यहां पे बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, और सर्दी ने और हालत ख़राब कर दिया है। फिलहाल अभी तगड़ी चाय की चुस्की मारते हैं यहाँ पे। सो भाई फिलहाल यार अभी आज का जो पूरा इवेंट था ना, बहुत मस्त मस्त इवेंट भी है आज, और मिस कर गया तो फिर थोड़ा लग रहा है मिस करना नहीं चाहिए था। कल भी अच्छे अच्छे इवेंट्स हैं, और ये अपने एक जूनियर ब्रो, आप कौन से ब्रांच से वो ब्रो? सिविल। सिविल से ना। सो भाई ये पीछे सीन है बिल्डिंग का अभी, लाइक गरबा नाइट का डेकोरेशन अभी हटाया नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं लाइक, और ये आवर्तन का बोर्ड डेकोरेशन भाई हर बार तगड़ा होता ही है, ये बात तो है। सो गाइस फिलहाल इनसे मिले यहाँ पे, जादू क्या बना दिया भाई इधर, इसको धूप दिखा भाई कोई। यहाँ पे एक अलग स्टॉल लगा हुआ है, अभी थोड़ा माहौल ठंडा है फिलहाल। अभी समंदर तक बना दिया तेरे लिए, फिर भी तू लोटा पकड़ के खड़ी है। उम्मीद तो नहीं है, कोशिश जरूर करते हैं, उम्मीद तो नहीं।
कहीं है, कोशिश जरूर करते हैं, पूरी ना हो फिर भी ख्वाहिश जरूर करते हैं, आपसे मिलने की हर दफा साजिश जरूर करते हैं, और आप प्यार करो ना करो प्यार की बारिश जरूर करते हैं। भाई भाई भाई, ये एसिड फेंक रहा है भाई, वो प्लीज फ्लैशलाइट ऑन कर लो यार, माहौल जन्मना चाहिए, लगना चाहिए टेक्नो का कोई इवेंट हुआ था यहाँ पे। सो गाइस, वहाँ पे पीछे पे टैलेंट शो चल रहा था, मतलब सुबह से चल रहा है, जो टैलेंट दिखाना चाह रहे हो दिखा सकते हैं वहाँ पे, लाइक सुबह से अभी तक चल रहा है भाई। और यहाँ पे अब ये अगला यहाँ पे परफॉर्मेंस होने वाला है, अभी यहाँ पे यार तो अभी यहाँ पे माहौल जमेगा। होने वाला है, माहौल बनने वाला है गाइस, बहुत तगड़े तरीके से कवर करना पड़ेगा लगता है। मजा आने वाला है, देख रहे हैं बैरिकेड लगा दी गई है, बच्चे भांगे ना, इधर बैरिकेड उधर डिवीजन कर दिया गर्ल्स बॉयज का। पास में वो राजपाल यादव, मैंने तो पहले ही बोला था पानी का स्टॉल लगाओ, राजस्थान वाले सारा पानी ले जाएंगे। ये देवा उठा ले रे, मेरे को नहीं रे, इस गीड़े को उठा ले रे। बेटे खाने में क्या रखा है? ये मेरे पे समोसा है, कचौड़ी है, जूस है, पानी भी है, क्या लेगा रे? बाटली भी है रे। ट्रेन के अंदर बहुत सारे वेंडर्स होते हैं ना, उसमें हमारे है सनी देओल जी। ओ मैडम जी, और चिप्स है और कुरकुरे ले लो, और कुछ और चाहिए तो बिस्किट भी ले लो। पर गर्म पानी के अंदर मिल्क पाउडर मिला के बेच रहे हो तो चाय वाली हो तो। ओए ओए फरहान, ये मत भूल, भले ही तू ट्रेन पे बैठा और मैं खाना बेच रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू बड़ा नहीं बन गया। ये ढाई किलो का हाथ है, वहाँ पे गिरा कर उसका हाथ बना देता है। तो राजेश अरोड़ा जी मजे में? बेटे लोहा पिघला सकता है तो मेरे घर का गेट बना देगा क्या? Oh!
वीगन देख के भी हाँ विल यू ईट मी एट द लाइसेंस बाद में पहले वैक्सीन से देखनी और कहती आज मूड नहीं है और यू तेरी फ्रेंड्स मुझे घूरती है रन ब्लॉक गाड़ी बाहर पहले ब्राडा क्लब में शी लाइक्स टाइट बॉयज तो फिर बैड विंडो पब में पब्लिक का मन कैसे कर ब्रेक फाइन हॉट नस करे फ्लो मेरे बंदे करे क्लाइम आ जा बेबी आ जा मैं कर दे फाइन जस्ट पे मैं कर दूं अपने नाम का फ्रेंड्स को
पानी पानी हो गए। यार खाना पीना हो चुका है और अब चलो भाई चलते हैं रूम में। भाई ब्रोजो भाई बहुत दिन के बाद आया हुआ है, चलो देखते हैं क्या सीन है। बाकी इवेंट्स कल भी हैं, कल अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अभी शाम का इवेंट काफ़ी ज़्यादा सही था पूरे दिन में, और चलो देखते हैं कल का इवेंट कैसा रहता है। फिलहाल चलते हैं रूम में। सो भाई फाइनली आ चुके हैं रूम में और ब्रोजो भाई हैज रिटर्न काफ़ी समय के बाद। ऐसे मत दिखा, ठंडी लग गया है। ठंडी तो मुझे भी लग गया भाई, हालत ख़राब हो गया है सर्दी में। बैठे विकी का कितना हो गया? वही बस शुरुआत का दो वीडियो देखा हो। मैं भी करूंगा भाई अभी रात भर बैठ के। सो भाई फिलहाल अभी यार कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं वरना एग्जाम में आप खाली पेपर छोड़ के आएंगे। तो चलो आज ब्लॉग की खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ब्लॉग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट ब्लॉग में, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।